केपी के इलेक्शन की तारीख भी दे दें। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने खबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला किया है। इस हवाले से पीटीआई के वकील गौहर अली ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में कल रिट दायर की जाएगी। अदालत उज़्म में दरख्वास्त दायर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने हदायत जारी कर दी है। अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि जिस तरह पंजाब के लिए इलेक्शन की तारीख दी, इसी तरह खबर पख्तूनख्वा में भी तारीख दी जाए। गौहर अली ने कहा कि आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत उज़्मा ने इंतखाबात की तारीख दी, इस पर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी थी। इलावा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशावरती इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीटीआई की मरकजी लीडरशिप शिरकत करेगी। इजलास में आइंदा का सियासी लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में इंतखाबी मैम समेत दीगर मामला जेरे बहस आएंगे। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि केपी में इंतखाबात के लिए गवर्नर की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। केपी की हद तक मामला जेरे समाप्त रहेगा। केपीके में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतलका फॉरम से रजू किया जाए। केपीके में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त गुजार अदालत से रजू कर सकते हैं।